उस्ताद हुआ था साहब एक्टर, चीफ एक्टर भी हैं, और मैं भी मेरे 4 साल उसमें भी जुड़ा हूँ, और जब फिर आता हूँ वो एक अलग ही माहौल सिनेमा का और क्रिएटिविटी का, डिस्कशंस का, सशक्त जो एनालिसिस वगैरह जो स्पेशली आते हैं लोग बॉम्बे से या फिल्म के डायरेक्टर या एक्टर उनके साथ, साहित्यकारों के साथ, ये बहुत ही एक रिच, आपको 4-5 दिन के अंदर ही बहुत मेंटली रिच कर देता है ये फेस्टिवल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और इस बार मैं, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अगर जयपुर में ही है तो एक लिमिटेड ऑडियंस रहती है, लेकिन इस बार से वो हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल चेंज करते रहेंगे, तो जोधपुर को पहले चुना है इस बार, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि और सिनेमा वहाँ तक जाए, हर डिस्ट्रिक्ट में जाए, और वो भी ऐसा सिनेमा जो आप ना यूट्यूब पर देख सकते हैं, ना आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ना आपके सिनेमा हॉल में लगने वाला है, ऐसे मैक्सिमम फिल्में ऐसी होती हैं जो कि बहुत रेयर देखी जा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है डिस्ट्रिक्ट में जाकर के दिखाना। और उन लोगों को जो मास कम्युनिकेशन के, सिनेमा के लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, या थिएटर करते हैं वहाँ, या उससे जुड़े हुए हैं कहानियों से या साहित्य से, और एक ये जो ये तो मैंने कि नया सुना है, आसाम में सुना था एक बार कि कोई है ऐसा सिनेमा जो और साउथ में एक जगह कि पूरा एक ट्रक टाइप का सिनेमा हॉल बन जाता है, होल्ड दिया हुआ तो सिनेमा हॉल बन जाता है बाकायदा, और वो भी 5.1 साउंड के साथ, इतनी अच्छी साउंड के साथ, उसमें मिला के एसी लगा हुआ, तो ये तो मेरे लिए तो एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि हरियाणा में मेरी एक फिल्म, हरियाणवी फिल्म है जो कि बहुत इंटरनेशनली बड़ी बड़े रूप में बनाई है, 5 साल से बना रहा हूँ, तो ये